वाचक भी चीजों को कहीं उतार जाता है, उसको नहीं उतार पाता है, लेकिन एक जगह तार जाता है। बुनियादी चीज यह है कि बाजार और पूंजी, ये दो चीजें जो हैं वो जितनी हावी हो गई हैं, पहले कभी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि रामनाथ गोयनका अखबार निकाल रहे थे तो व्यापार नहीं कर रहे थे, कठपुतली गोरिश जो है कोई धर्मार्थ प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए अखबार निकालने के लिए अखबार की दुनिया में आए थे, बिरला अखबार निकाल रहे थे, और भी लोग जिनका पूंजी से रिश्ता था, क्योंकि बगैर पूंजी के तो अखबार संभव ही नहीं है। लेकिन पूंजी जो है उसका अपना स्वरूप पिछली सदी की गलती घड़ियों में इतना कुत्सित हुआ जो पहले नहीं था। जिस तरह से पूंजी की दुनिया में उन तत्वों ने प्रवेश किया जो तिकड़मी थे, मैनिपुलेटिव इनको कहते हैं, शेयर बाजार, जिस तरह से एक बार मनमोहन सिंह ने एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी कर दी थी जब प्रधानमंत्री थे और 150 साल हुए थे ट्रिब्यून अखबार के, तो उन्होंने चंडीगढ़ में बोलते हुए कहा था कि मीडिया टिकाऊ हो गया। ठीक ठीक शब्द क्या थे उसको नहीं याद है, लेकिन मैं उस वक्त एडिटर्स गिल्ड का सेक्रेटरी जनरल था और संजय बारू जो मेरे साथ हमारे प्रतिष्ठान में इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के संपादक थे, वो उस वक्त उनके सलाहकार थे प्रधानमंत्री के नाते। तो जब उन्होंने कह दिया कि मीडिया जो है वो बिकाऊ है, तो वो इस उनका जो जिस जो, और मनमोहन सिंह तो आप जानते हैं कि लगभग न बोलने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे, उनका इस तरीके से विफल जाना, क्योंकि उस वक्त बाजार बहुत बिगड़ गया था और उसकी वजह ये थी कि जो शेयर बाजार है मुंबई का, उसमें कुछ अखबारों ने मिलकर के कुछ इस किस्म की रिपोर्टिंग की कि उसमें बेईमानी थी, और वो बेईमानी जो है वो तो अर्थशास्त्री थे, उनको कोई इस चीज को समझने में देर नहीं लगी होगी। उन्होंने ये कहा, मीडिया पर हमला किया मनमोहन सिंह ने। तो अब जो है आज तो सरकार के मंत्री कह देते हैं कि पत्रकार वेश्यागिरी कर रहे हैं, तो भी लोग सुन लेते हैं, प्रेस्टिट्यूट और कुछ भी गाली जो है वो दी जा सकती है। तो उस वक्त थोड़ी सी बौखलाहट बेचैनी बहुत हुई कि ये प्रधानमंत्री ने इस तरह से हम पे लांछन लगा दिया। तो हम लोगों ने एडिटर्स गिल्ड में तय किया कि इस पर बात होनी चाहिए, बल्कि उनके उस आरोप की, क्योंकि प्रधानमंत्री के मुंह से निकला है और वो कोई लफाज प्रधानमंत्री तो है नहीं, जिम्मेदार है, उनकी बात का संज्ञान लेके और हमने एक जांच समिति बिठाई। अजीत भट्टाचार्य जी साहब जो नई दुनिया में, इस दुनिया में नहीं है, वो उसकी सदारत कर रहे थे, और प्रेम शंकर झा भी उनमें थे, तीन लोगों की समिति थी। हम लोग मुंबई भी गए, बहुत से पत्रकारों से बात की। अंततः उस समिति ने जो रिपोर्ट दी, जो अब उनके कागजों में दर्ज है, उस जांच का हमको जो हासिल था वो ये था कि मनमोहन सिंह के आरोप सही थे, यानी पत्रकारों ने उस बाजार को प्रभावित करने में मीडिया का इस्तेमाल किया। अपने आप में आपराधिक काम है। अब
इतने वर्ष के बाद में अब लगता है कि ये तो रोज ही हो रहा है, अब तो मतलब ये हमें न जांच करने की जरूरत है न कोई कुछ कहने की जरूरत है, अब कुछ भी कुछ कहने, क्योंकि जब जो बाजार के जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया खिलाड़ी, अनुवाद की भाषा है और अनुवाद जो है भाषा पे भी आपने काफी बात कही, तो अनुवाद की भाषा का हम खुद ही इस्तेमाल काफी अब करने लगे हैं, अंग्रेजी शब्द जो है वो हिंदी में ढल करके, जबकि हमारे पास में अपनी शब्दावली भी है। बहरहाल वो जो व्यापारी हैं जिनको अंग्रेजी वाले खिलाड़ी कहते हैं, प्लेयर्स कहते हैं, वो व्यापारी अब खुद हमारे टीवी चैनलों को खरीद रहे हैं, अखबारों को भी खरीद लेंगे, अखबारों में पैसा लगा रहे हैं, कई जगहों पे उनके काफी शेयर जो है बड़ी तादाद में उनके पास में है कई अखबारों के। लेकिन एक साथ जब अंबानी ने, आपने नाम नहीं लिया, तो नेटवर्क 18 नाम का पूरा प्रतिष्ठान समूह वो उन्होंने रातों रात खरीद लिया, और राजदीप सरदेसाई जैसा पत्रकार सड़क पे आ गया, जिसको एक बार नरेंद्र मोदी ने चलती बस में गुजरात के चुनाव हो रहे थे अपने पांव में बिठाया था, और पांव में बिठाने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि इससे संतोष प्राप्त होता है कि जब आप को लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ लिखा तो आप उससे कैसे बदला ले सकते हैं, तो कई तरीके होते हैं, अपमानित कर सकते हैं, दुष्प्रचार कर सकते हैं, कभी कभार हत्या भी कर सकते हैं, और चरित्र हत्या तो कर ही सकते हैं। तो उन्होंने मेहरबानी करके आसान किया, ज्यादा बुरा उनके साथ नहीं किया, वो बस में चल रहे थे और आगे ड्राइवर के पास उनकी नरेंद्र मोदी की एक खास सीट आरामदेह, वो वहां बैठे रहते थे ताकि पीछे बैठे व्यक्ति को तो दिखाई नहीं देता कि इतनी बड़ी बसें होती हैं, तो ड्राइवर के पीछे सारी दुनिया उनकी नजरों के सामने रहे, वो एक सीट उनकी थी। तो उन्होंने राजदीप सरदेसाई को कहा मैं बस में इंटरव्यू दूंगा, और उनको पता था कि राजदीप सरदेसाई उनके साथ में क्या सलूक करते हैं, यानी उनके बारे में क्या लिखते रहे हैं। तो उन्होंने बस में उनको समय दिया, आगे बैठे हुए थे राजदीप, पीछे बैठे होंगे उनके स्टाफ के साथ, जैसे ही कहा कि हाँ भाई आपका इंटरव्यू है ना, आइए आगे उनके पास चले जाइए, तो वो उस कुर्सी पे बैठे रहे, और जिन सीढ़ियों पे राजदीप सरदेसाई आके खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, नहीं बैठिए, और सीढ़ियों पे राजदीप सरदेसाई ने बैठ कर इंटरव्यू लिया। ये यूट्यूब पे मौजूद है, ये कोई मैं आपको बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, राजदीप सरदेसाई जिस व्यक्ति को अपमानित करने के लिए, पर ऐसा हो नहीं सकता, समझदार आदमी कहेगा कि या तो हम दोनों नहीं बैठ सकते हैं बराबर, वरना मैं चाहूंगा मेरा मेहमान है तो मैं ज्यादा आपको इज्जत दूंगा, आप ऊपर बैठिए, लेकिन हम दोनों खड़े खड़े बात करते हैं या ऐसी सीट पर जाके बैठते हैं आस पास बैठ सके, उनका बैठे राजदीप सरदेसाई वहां नीचे जमीन पर बैठ गए। तो कोई कह सकता है कि संयोग की बात अब नहीं सीखे तो क्या करेंगे, उनके जो भक्त हैं वही कह सकते हैं, तो हर बात में उनके पास में दलील तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अंबानी जो हम लोग जानते हैं कि तो व्यापार करते हैं, कोई भी सरकार आएगी कांग्रेस आती थी कांग्रेस को भी पैसा देते होंगे, और कांग्रेस में ज्यादा भ्रष्टाचार था ज्यादा देते होंगे, इनको उन्होंने कहा कि बाकी तो भ्रष्टाचार हमारी सरकार में नहीं होने दूंगा, लेकिन हमारा चुनाव के लिए, तो दो लोगों ने जो कहते हैं कि पूरा जो वहन किया उनमें एक अंबानी थे, और उनका रिश्ता जो है वो प्रधानमंत्री के साथ में इतना अटूट है कि कंधे पे रह करके बात करते हैं, और इस चीज को कोई उनको पहले लोग कुछ छुपा के संबंध ऐसे रखना चाहते थे, वो अपने संबंधों को छुपाते भी नहीं है। वो जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो दूसरे उनके जो पैसा लगाने वाले उनके साथी हैं अडानी उनके साथ में थे, और वो उनके साथ में वो भी बराबर उस तरीके से कदम मिला के चल रहे थे। तो ये जो नेटवर्क 18 है इसको अंबानी ने खरीद लिया, वो किसके लिए खरीद लिया, उनको क्या अपनी खबरें छपवानी है, अपना कोई जो रिलायंस है उस रिलायंस की पब्लिसिटी के लिए उनको चैनल चाहिए, ये सोचना मूर्खता का काम होगा। इस भोलेपन में कोई अगर सोचे
या वो तो वो अपनी कंपनी के प्रचार के लिए, अपनी कंपनी के प्रचार के लिए हिंदुस्तान के इतने चैनल कोई खरीदने के लिए नहीं बैठता है, वो किसी और के लिए काम कर रहा है, वो किसी और के लिए काम कर रहा है। और न केवल उन्होंने 18 प्रतिष्ठान के चैनल खरीदे, उन्होंने बाद में ईटीवी को भी खरीद लिया, आपको पता है। और आने वाले दिनों में क्या होगा इसकी भयावह कल्पना करने की जरूरत नहीं है, समझने की चीजों की जरूरत है, क्योंकि एक नहीं 100 अंबानी बाजार में आएंगे और कोई न कोई किसी न किसी नेता की जेब में होगा, उनके लिए काम कर रहा होगा, क्योंकि नेता उनको पता है कि हम पहले पुराने वक्त में ये था कि हम जानते थे कि ये अखबार फला नेता का है, ये चैनल जो है ये फला व्यक्ति का है। अब वो खुद अगर चलाते हैं, अगर नेशनल हेरल्ड कांग्रेस पार्टी चलाती है उसको कोई नहीं पढ़ता, लेकिन आप चालाकी से किसी व्यापारी के लिए या व्यापारी जो है आपके लिए काम करे तो थोड़ा बहुत जो है वो काम निकल जाता है, और आप देखते हैं कि निकल रहा है। तो ये जैसे शुरू हुआ, राजदीप को वहां से बाहर आना पड़ा, उनकी पत्नी को नौकरी करनी पड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में, राजदीप कुछ दिन बेरोजगार रहे, बाद में वो इंडिया टुडे में चले गए, जबकि उन्होंने उस चैनल को एक तरह से कहा जाए तो स्थापित किया था। हम तो समझते थे कि मालिक ही वही होंगे, जिस तरह से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिल्ली में वो लोगों से बात कर रहे थे और लोगों को नियुक्त कर रहे थे, वो व्यक्ति सड़क पे आ गया, क्योंकि एक नेता से एक व्यापारी की मिली भगत, ये जो पूंजी का गठजोड़ है, ये गठजोड़, इसकी जो सारी बीमारियां आपने बताई हैं, कि ये जो पूंजी अगर मीडिया की पीठ पे सवार है तो उनको उनकी भाषा भी बदलवाएगी, वो भाषा इस्तेमाल करवाएगी जो आपको अटपटी लगती है कि इसमें जो है वो अंग्रेजी घुसेड़ रहे हैं, और अंग्रेजी भी काय की कोई भाषा है। मैंने एक बार मृणाल पांडे काम करती थी हिंदुस्तान टाइम्स का, जो हिंदी का हिंदुस्तान है, तो हमारे यहाँ थोड़ी आज़ादी इस किस्म की, इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हुए, जनसत्ता में काम करते हुए बहुत रही कि संपादक बड़ा था और जो प्रबंध के लोग थे मार्केटिंग वगैरह के, वो जो है वो आसानी से कमरों में नहीं दाखिल होते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो आते ही रहते हैं, बताते हैं कि ये इस तरह से कवरेज कीजिए, इस तरह से पन्ना कीजिए, इस तरह से भाषा भी कैसी इस्तेमाल कीजिए, ये भी वो बताया करते थे। और ये जो चीज थी उसमें उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि ये भाषा इसलिए ऐसी इस्तेमाल आप कीजिए क्योंकि लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं समाज में, तो समाज में बोल रहे हैं वो आपने लिखेंगे, अब इस तरह से संपादक को वो लोग बताते थे। तो मैंने उनको कहा कि क्या आपने ये नहीं पूछा कि हम लोग इस देश में जिस किस्म की अंग्रेजी बोलते हैं वैसी अंग्रेजी हिंदुस्तान टाइम्स में इस्तेमाल क्यों नहीं होती? अगर यही दलील है कि जैसी हम बोलते हैं तो फिर वहां पर तो आप जो है ऐसी दीक्षा देंगे अपने साथ काम करने वालों को, एक भी उसमें वर्तनी की भूल ना हो, एक भी उसमें व्याकरण की भूल ना हो, वो अंग्रेजी तो बिल्कुल शुद्ध और श्रेष्ठ अंग्रेजी होनी चाहिए, और हिंदी जो है वो होनी चाहिए जो आपका मानना है, क्योंकि लोग बोलते हैं, लोग जानते नहीं हैं, लेकिन अखबार में जो लोग जिनको हम लोग नियुक्त करते हैं वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उन लोगों की दीक्षा होती है। अब तो शिक्षा का भी बहुत दायरा, सनी यहाँ बैठे हुए हैं, कितना दायरा पत्रकारिता की शिक्षा का लंबा चौड़ा हो गया है, हम लोगों के वक्त नहीं था। तो अब जो लोग दीक्षित होके आते हैं तो वो लोग जो भाषा लिखेंगे उन लोगों की इस तरह का उनका प्रशिक्षण है, उनकी समझ है कि और अच्छी भाषा होनी चाहिए जो हमारे जमाने में हुआ करती थी, उससे भी बेहतर। अब साधन भी हैं आपके पास में, तकनीक भी आ गई है, आप बेहतर भाषा इस्तेमाल करने की बजाय अगर आप खराब जानबूझ के भ्रष्ट भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिवाय बाजार के दबाव के, मार्केटिंग विभाग के दबाव के और कोई भी वजह नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि वो लोग जानते नहीं कि सही वाक्य क्या है, उनको कहा जा रहा है कि आप इस तरह से लिखिए। तो ये जो चीज है ये ऐसा ही है कि लोग नाच देखना चाहते हैं तो हम नाच दिखाना चाहते हैं, लोग इस तरह की चीजें जो हल्की हैं उनको देखना चाहते हैं, हमको दिखाना चाहते हैं, तो भाषा भी चूंकि वो हल्की बोलते हैं तो हम उनको हल्की भाषा परोसना चाहते हैं, ये एक तरीके से उनका अपना लक्ष्य है। हमारे वक्त में कहा जाता था कि आप दिनमान पढ़ें
तो आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, या और भी अखबारों के नाम इस तरह से लिए जा सकते थे, क्योंकि वहां काम करने वाले लोग समझदार थे और विद्वान थे, और बहुत सारे मेरे ख्याल में बहुत सारे अखबारों में इस किस्म का तो ये कभी था ही नहीं। तो अभी बहुत ताजा जो है सिलसिला शुरू हुआ है कि अंग्रेजी जो है उसमें जबरन फूस दी जाए तड़का लगाने के हिसाब से, लेकिन उस वक्त जो भाषा थी वो सचमुच आपकी भाषा का संस्कार देती थी। अब अखबार हमको भाषा का संस्कार देते नहीं है, क्योंकि वो भाषा का संस्कार जो है वो उनके पास में होते हुए भी उनको उसकी आजादी नहीं है कि वो उसका इस्तेमाल अपने विवेक का और अपनी भाषा का कर सकें, क्योंकि बाजार जो है इसकी इजाजत नहीं देता है। बाजार में यानी वो लोग जिनके पास में पूंजी है, और वो लोग अखबारों और टीवी चैनलों आदि के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। इस सब में एक और चीज जो मैं मानता हूं कि ये जो राजनीतिक जो गठबंधन है वो तो एक चीज है, और इसके अलावा चूंकि पूंजी आ गई है और हर कोई तो व्यक्ति जो है वो नेता के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तो आप देख रहे हैं कि कई अखबार जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर निकाल रहे हैं, बिल्डर निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जो समाज में अलग किस्म की पूंजी के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, वो लोग भी इसमें दाखिल होते हैं। अब वो जो लोग दाखिल होते हैं वो किस मकसद से, तो उनका एक मकसद तो ठीक है कि थोड़ा उनको एक आड़ मिल जाती है कि हमारा जो व्यापार है जो उसमें काले कारनामे हैं, तो एक अखबार की सत्ता जो है वो आपको एक उसे आड़ देती है, लेकिन इतना ही नहीं है उनका काम जो है, चूंकि उनका काम वो सामाजिक सरोकार है ही नहीं जो पत्रकारिता का ध्येय है, क्योंकि पत्रकारिता सामाजिक सरोकार से शुरू होती है, ये तो मानना चाहिए कि सामाजिक सरोकार अगर नहीं है तो वो पत्रकारिता नहीं है। लेकिन सामाजिक सरोकार नहीं है, व्यापारिक सरोकार है एक चीज है, आपका जो है एक काले धंधों से काले कारनामों से अपने आप को बचाने का ध्येय है वो एक अलग चीज है, लेकिन चूंकि आप जिस किस्म के की पृष्ठभूमि से आते हैं और अब आप चूंकि मीडिया में आ गए हैं या समाचार पत्र आप निकालने लगे हैं, तो वो जो लोग निकालते हैं वो एक अधकचरी मानसिकता से निकली हुई चीज जो सामने चीजों को लेकर के आती है, उस हमारे यहाँ पे अब संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। हम कैसा जीवन जिए हमको अब मीडिया बताता है, ये जो आपने कहा कि किसको आप उपहार दें वगैरह, ये जो है वो सुझाते हैं। वो कई तरह के दिन जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे वो उस तरह की चीजें भी बाजारों तक से आपको बताते हैं, कब आप कार्ड भेजें, कब आप उपहार भेजें, कब आप किसको प्यार करें, कब आप किसको प्यार न करें, कब आप किस किस्म के कपड़े पहने, यानी पूरी की पूरी आपकी जीवन शैली को प्रभावित करने की चेष्टा बल्कि कुचेष्टा वो पत्रकारिता कर रही है। वो हमको बता रहे हैं कि हम कैसा जीवन हमको जीना चाहिए, हमको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस किस्म के का जो एक समाज है जो कि हम सब लोगों की एक दबी छुपी इच्छा होती है कि हम भी, हमारी भी महत्वाकांक्षा है कि हम भी जो है विकसित कहलाएं, हम भी जो है वो दुनिया जिधर जा रही है, दुनिया देखिए कहाँ पहुंच गई है, तो हम भी उस रास्ते पर चल पड़े। तो बताते हैं कि दुनिया वहां इस तरह चल रही है, दुनिया इस रास्ते पर जा रही है, दुनिया ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल कर रही है, ये गाड़ी अब पुरानी पड़ चुकी है और बुरी मानी जाती है, इस किस्म के कपड़े पहनना सुबह अच्छा माना जाता है, इसका शाम को अच्छा माना जाता है, इस वार के दिन ये अच्छा माना, ये सारी की सारी एक अजीबोगरीब जीवन शैली हम पे थोपी जा रही है उस अधकचरे पूंजी वाले मीडिया मालिकों के, अखबार मालिकों की समझ, क्योंकि उनकी अधकचरी समझ है वो उस किस्म से आते भी जिन लोगों के हवाले मैंने पहले दिए कि जिनका थोड़ा बहुत सामाजिक सरोकार था, थोड़ा बहुत संस्कार भाषा का था, और वो पत्रकारिता में जिस देश से आते थे बिल्कुल चूंकि दूसरे देश से आते हैं, इसलिए ये जो बाजारीकरण है, ये बाजारीकरण, इस बाजारीकरण ने हम लोगों को भी उस बाजार का हिस्सा बना दिया जाने अनजाने। मैंने मेरी माँ जो अभी कुछ दिन पहले दुनिया में नहीं रही, तो जब मदर्स डे आया तो मैंने उनको कहा कि आज तुम्हारा दिन है, तो मेरी माँ ने गुस्से में कहा, जो आज सब लोग जानते हैं आपको, तुरंत इसलिए हंसी आई, दिल्ली में थोड़ा मुश्किल था तो समझाना पड़ा, फिर मैंने इसके ऊपर एक टिप्पणी भी लिखी थी, तो मैंने कहा तुम्हारा दिन है,
जा रहे, मैं तो जिंदा हूँ, मेरा दिन कहाँ से आ गया? तो मैंने कहा नहीं, ये लोग मनाते हैं पश्चिम में तो माँ का दिन मनाते हैं, तो माँ ने जो है बिल्कुल लाड के ऊपर समझिए कि हाथ मारते हुए कहा होगा कि क्या बेवकूफी की बातें हो रही है, माँ का दिन मना रहे हैं। तो माँ का दिन, बाप का दिन वगैरह, इस तरह से आप देखिए, मतलब तो अंतहीन हो गया है। प्यार करने का भी दिन फिक्स है, मतलब ये भी जो है हर चीज का मतलब बाजार है, हर कोई समझ सकता है कि बाजार है। हालांकि अगर कोई मैं इतना भी कट्टर नहीं हूं कि कोई अगर कुछ लोगों को अगर ऐसा अच्छा लगता है तो ठीक है, जो लोग अपने खुशी के लिए एकांत ढूंढ लेते हैं किसी जगह, कोई दिन ढूंढ लेते हैं, कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, तो ठीक है, लोग अगर इससे खुश रहते हैं, मैं उनकी आजादी पे सवाल नहीं उठाता हूं। लेकिन जो बाजार इस किस्म से उनके विवेक का हरण करके और उनकी जीवन शैली को प्रभावित करने की चेष्टा करता है किसी और की जेब भरने के लिए, ये जो चीज है, ये चीज जो है, ये विशुद्ध रूप से कुत्सित पूंजी जो मैंने कहा उसके मीडिया में प्रवेश का नतीजा है। पत्रकारिता में पढ़ना भी कम हो गया मुझको। एक चीज जो बुरी लगती है कि जितना भी, चलो ठीक है, मालिक जैसा भी चाहता है तो मालिक थोड़ा कबाड़ा कर देगा, थोड़ा करेगा, मतलब जितना कर सकता है करेगा। वो अपनी तस्वीर उसमें छपवा लेगा, ये भी हो सकता है। वो जिस नेता के लिए काम करता है उसके लिए भी आपको इस्तेमाल कर लेगा, ये सब हम मान लेते हैं कि चलिए ठीक है किया। लेकिन उसके बाद जो पत्रकार काम कर रहा है वो तो नौकरी कर रहा है, उसके पास अपनी एक समझ है, उसके पास अपनी एक भाषा भी है और थोड़ा संस्कार भी होगा, थोड़ा सरोकार भी होगा। वो जो वहां आता है उससे हम लोग क्या उम्मीद करते हैं? जिसको मालिक नहीं कहता है कुछ भी, उसको कहता है कि आपको खबर लिखनी है, सामान्य घटना है, उसमें वो अपने विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? ये चीज मुझको कई बार बुरी लगती है कि सारा का सारा दोष जो है मालिकों पे थोप दिया, छोड़ दिया, और हमारी अपनी बिरादरी जो है वो तो पवित्र, चरित्रवान और सरोकारी, जिम्मेदार है। ये भी मानना जो है ये भूल होगी। हमारे यहाँ पत्रकार अब जो आते हैं ये तो पढ़ते नहीं है, उनके पढ़ने की आदत नहीं है, किताबें नहीं पढ़ते हैं। मैं तो वाणिज्य में मैंने पढ़ाई की थी और एम कॉम करने के बाद जब मैंने राजस्थान पत्रिका में आया जब, तो कुलिस जी को हैरानी हुई थी और बल्कि उन्होंने उस वक्त मुझको शुरू से ही बड़े पद पे लिया, ये सोच के कि भाग जाएगा क्योंकि टिकेगा नहीं, क्योंकि लोग उस वक्त स्नातक होकर के भी आसानी से नहीं मिलते थे, कोई दूसरा रोजगार देखते थे, मानते थे पत्रकारिता में क्या रखा है। तो हम लोग जो है उस दौर में आए, लेकिन मैं अगर मेरे जैसा व्यक्ति आ गया तो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हिंदी मेरी अच्छी थी। मेरे पिताजी आप लोग जानती हैं कि शिक्षा की पत्रिकाओं के संपादक थे, हमारे घर में बहुत सारे अखबार आते थे और टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट तक आता था लंदन से और बहुत सारी पत्रिकाएं। तो मेरा चूंकि पढ़ने लिखने का परिवेश मुझे मिला और पढ़ने लिखने का थोड़ा आदत मुझे हुई तो मेरी हिंदी ठीक हुई और मैं हिंदी का पत्रकार हो गया और 40 साल मैंने पत्रकारिता हिंदी की कर ली, जबकि मैं पढ़ाई तो कॉमर्स की करके आया था। तो पढ़ने का जो ये सिलसिला है उस दौर में कोई बहुत ऐसा नहीं था कि चूंकि हमारे घर तो पत्रिकाएं आती थी, लेकिन और लोग जिनके इतनी नहीं भी आती थी वो पुस्तकालयों में चले जाते थे, उनके घरों में जाएं पत्रकारों के तो आपको पत्रकारों के घरों में किताबें पढ़ी मिलती थी। अब पत्रकारों के घरों में किताबें पढ़ी मिलना मुश्किल है, किताब वो पुस्तक मेलों में भी नहीं दिखाई देते हैं, भले चेहरा दिखाने के लिए भले कभी चले जाए अब जाहिर करने को कि मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन आपको पता चलता है नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं तो वो अंग्रेजी की किताबें पढ़ते हैं जो बाजारू किताबें होती हैं जिनको बहुत प्रचार मिल जाता है। अंग्रेजी और हिंदी में ये बुनियादी फर्क है, हिंदी में जो साहित्य जिसे माना जाता है वो सचमुच साहित्य होता है, हर किताब साहित्य नहीं होती है, अंग्रेजी में हर किताब साहित्य होती है। अगर आप देख लें जो साहित्य के मेले होते हैं
उनमें जिनको साहित्य में कोई नहीं पूछता है, कोई फिल्मों के लिए गाने लिख रहा है, कोई चेतन भगत नवा लेखक है जिनको साहित्य में कोई कदर नहीं। कहाँ शेक्सपियर की बात हम साहित्य में करने बैठते हैं तब तो लगता है कि हम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, शैली की बात कर रहे हैं, कीट्स की बात कर रहे हैं, इलियट की बात कर रहे हैं। हिंदी में बैठते हैं तो आप प्रसाद की बात कर रहे हैं, अज्ञे की बात कर रहे हैं, उसके बीच में वेद प्रकाश शर्मा जो है उसकी कोई जगह नहीं। वो है, उनका बाजार है। उनके मरने पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पेज पे खबर छापी, आपने देखा होगा, वेद प्रकाश शर्मा के मरने पे और निर्मल वर्मा के मरने पे नीचे भी। तो ये तो अलग है उनका, वो मैंने कहा ना वो दुनिया अलग है, व्यापार की दुनिया है। उनको लगता है कि चूंकि बहुत ज्यादा बिकता था महत्वपूर्ण था, तो ठीक है गुलशन नंदा बिकते थे, उनकी लिखी हुई चीजों पे फिल्में बनी, हमने भी देखी, वो भी ठीक है, वो उनकी अपनी एक दुनिया है, लेकिन वो साहित्य नहीं है। हमारे दिमाग में ये कोई गलतफहमी नहीं है कि गुलशन नंदा को कोई साहित्य मानेकार माने या साहित्य में उनकी आलोचना करता हो, आलोचक उन पर चर्चा करते हो, गुलशन नंदा पे कोई सेमिनार कोई संगोष्ठी हो रही नहीं होता, यहाँ पर होता है। पुस्तक मेलों में आप देख लीजिए ज्यादातर कह रहा हूं लेखक जो आते हैं वो लेखक हैं, वो लेखक हैं, और वो लेखक बाजारू लेखक, मैंने बाजारू अच्छा शब्द नहीं है, पर वो कमर्शियल है ना, वो बिकते बहुत हैं। और अब वो चूंकि अगर इतिहास पर उपन्यास लिखते हैं तो अपने आप को इतिहासकार माने जाने की भी महत्वाकांक्षा उनमें रहती है, और वो कुछ दिनों में हिस्टोरियन अपने आप को लिखने भी लगते हैं। अगर लिख देंगे कि भाई साहब उन्होंने बहादुर शाह जफर पे लिखा, अब वो मानते हैं, अब हमें चूंकि हमने, अरे भाई आपने परिश्रम किया, हम इसका सम्मान करते हैं सचमुच आपने, लेकिन इतिहास का अपना एक वैज्ञानिक पठन का तरीका होता है। इतना हमें बेवकूफ मत समझिए कि हम आपको बड़ा लेखक मानने को तैयार हैं, लेकिन उसमें भी साहित्य की परिधि में कोई आएगा नहीं आएगा। दूसरी बात है, पर खैर चूंकि अब ये बात फिसल रही है साहित्य के पाले में, जो मैं कहना चाह रहा था कि ये पढ़ने का संस्कार जो है, ये पढ़ने का संस्कार पत्रकारों में जो था वो अब नहीं होता है। उसकी वजह से भी जो भाषा खराब होती है वो उसका एक कारण ये भी है कि खुद पत्रकारों की, इसमें कोई अंबानी नहीं कहता है, कोई अडानी नहीं कहता है, थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत तो भाषा जो है वो कहीं ना कहीं निकल के आपकी चली आएगी। अब वो खुद भी जो है, जो लोग काम करते हैं उनमें इस किस्म की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती है। दूसरा जो है चरित्र के मामले में भी चीजें जो हैं, उपहार की बात आपने कही, जब मैं चंडीगढ़ गया था तो पत्र हमारे घर कोई एक उपहार लेकर दिवाली पे आया, तो उस जमाने में कोई इतना हमारे यहाँ राजस्थान में तो चलन था ही नहीं, मुझे याद ही नहीं पड़ता कोई बहुत बड़े पत्रकारों की यहाँ पे कोई जाता होगा, तो नहीं जाता होगा बोला जी हमसे पहले थे, बड़े थे, मैंने तो नहीं देखा। तो वहां पे लाइन लगी रहती थी, और जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उनके यहाँ से तो रोलेक्स घड़ी आई थी, और मुझे याद है जो लेख उस व्यक्ति को मैं अभी भी जानता हूँ, लेके आया था एक IPS, उसको भेजा गया था, तो हमने कहा कि ये आप लोग क्यों जो है ऐसा एक करते हैं। बोले आप सभी को, मैं सबके जाके, वहाँ 5 संपादक चंडीगढ़ में थे, 3 ट्रिब्यून के थे, 2 इंडियन एक्सप्रेस के थे, तो मैंने एक जनसत्ता हिंदी का मान थी अंग्रेजी की, और 3 पंजाबी हिंदी और अंग्रेजी ट्रिब्यून की। तो उन्होंने कहा था अभी तो हर साल यहाँ पे होता है, मैंने धीमे धीमे करके ये जाना, और ये बात 35 साल पुरानी है कि ये तो यहाँ पंजाब में आम चलन है कि हर पत्रकार के घर उपहार जा रहा है, संपादक के यहाँ अच्छा, क्योंकि संपादक मुट्ठी भर हैं, 4-5 लोग हैं, तो उनके यहाँ पे अब टीवी आपने पिछली बार दे दिया तो हर बार आप क्या, और टीवी तो होगा ही संपादक के घर पे, कोई ना कोई दे ही गया होगा, फ्रिज भी उसके पास में होगा, iPad वगैरह जो आपने बताया ये कब तक देते रहेंगे। तो इसलिए आजकल लोग कहते हैं कि सर लोग चेक दे देते हैं, और अब चेक वेक भी जो है शायद लगन भी मांग ले, मुझे नहीं, कुछ दिनों में पेटीएम वाला भी घर पे लगा देंगे, इसी से दे दीजिए, हो सकता है थोड़ा मैं ज्यादा कह रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के इस सच में चीज थोड़ी सी बेचैन करती है, क्योंकि चरित्र के मामले में जितना सजग रहना चाहिए उतने लोग नहीं है। और मैं ज्यादा अभी इसमें गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली में मैं देखता हूँ, और मैंने मतलब कई सालों में देखा, यहाँ काफी समय से मैं संपर्क में नहीं हूँ, पत्रकार को अब समाज में वो प्रतिष्ठा नहीं हासिल है जो कोई जमाने में थी। उसकी वजह यह है कि उनके चरित्र पे आंच आई है, और इसके लिए जो है किसी और को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। अंत में जो है जो चीज मुझको लगती है पत्रकारिता में,
नहीं है वो ये है कि पत्रकार कोई स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि उनकी वैचारिक समझ जो है इसका भी उनके पठन पाठन से काफी ताल्लुक है। एक समझ वैचारिक का मतलब ये नहीं कि वो किसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता हो या किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता हो, किसी की कोई राजनीतिक विचारधारा भी हो सकती है, इसमें कोई मैं बुराई नहीं मानता हूं, लेकिन अगर उस राजनीतिक विचारधारा के प्रचार के लिए प्रोपेगेंडा के लिए वो किसी अखबार का या अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल करता है तो मैं बुरा मानता हूं। आपका धर्म क्या है आपके पास होगा, आपकी जाति क्या है वो भी आपका निजी मामला है, लेकिन आप सार्वजनिक तौर पे अगर उसका इजहार करते फिरते हैं, हर वक्त आप जनेऊ पहन करके बाजार में नहीं जा सकते, लेकिन आप हर वक्त ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल करें जो आपको बताते हो जनेऊ को आप कान पे न सही लेकिन निकाल के आप बुशर्ट के आगे आधा टांग दें, आप तिलक लगा के चल रहे हैं, आप अपनी विचारधारा का जो है अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, उसी को परिपुष्ट कर रहे हैं अपनी पत्रकारिता में, तो आप खराब काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी विचारधारा है, ये आपका हक है, और कई मामलों में विचारधारा आपकी समझ को मांझने में तराशने में मददगार भी होती है, लेकिन आप उसके पैरोकार नहीं हो सकते, आप प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, ये मेरे दिमाग में साफ है। इसी तरीके से मेरे दिमाग में ये भी साफ है कि पत्रकार को स्टैंड लेना आना चाहिए, यानी उसकी तटस्थ में हूं, ये अपने आप में एक विचित्र शब्दावली जो है वो कभी भी जो है वो सफल नहीं हुई है। और बहुत पहले हमारे यहाँ सर निराला जी ने कहा था कि जो तटस्थ हैं उनका भी हिसाब समाज लेगा, दिनकर जी ने कहा था, तो वो जो तटस्थता की बात साहित्य में जो लोग करते जी हम तटस्थ हैं, पत्रकारिता में भी जो है ये कहना मैं उचित, और पत्रकारिता में इसलिए कि हम लोग देख रहे समाज जिस तरफ जा रहा है, चाहे अब संस्कृति की बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो हमारे यहाँ सांप्रदायिकता है। गनीमत है कि अभी पत्रकारिता उसमें बहुत योगदान नहीं कर रही, सोशल मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया आग लगा रहा है। मुजफ्फरनगर के दंगों में जिस तरीके से हमने देखा, अभी भी रोज होता है कोई ना कोई तरीके से चीज इस तरीके से निकल के आएगी, अगर कोई एक गुरमेहर जो है वो अगर आवाज बुलंद करती है तो तुरंत उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें निकाल के लाई जाएंगी कि देखिए ये तो भिंडरा वाले के समर्थक है या ये फलाना। सांप्रदायिकता की आग लगाने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, देर सवेर और मीडिया का भी इस्तेमाल हो सकता है, कौन जानता है कि नहीं, जब आपकी समझ ही अगर कुंठित हो जाएगी तो जो लोग वहां आज इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसमें आजादी है, इसलिए मैं उसको मीडिया नहीं मानता हूं, उसको नाम भले उसमें मीडिया नाम रखने से कुछ भी नहीं होता, सोशल मीडिया कह दिया तो लोग कई बार उसको पत्रकारिता मान लेते हैं, मैं भी उस पर लिखता हूं, लोग कह रहे हैं कि अरे आप तो पत्रकार हैं आपने ये लिखा, मैंने कहा कि मैं पत्रकारिता सोशल मीडिया पर नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी भड़ास ही निकालता हूं, वो भड़ास.com एक हमारे मित्र का वो है, ये भड़ास है क्योंकि मैं वोट देने जाता हूं, मैं निष्पक्ष कैसे हो सकता हूं जब मैं वोट देने जाता हूं, किसी न किसी को तो मैं वोट देता ही हूं ना, मेरी विचारधारा भी है पर मैं अखबार में नहीं झलकने दूंगा, मैं वोट देने जाता हूं पर उस बात को मैं अखबार में नहीं झलकने दूंगा, इसी तरीके से मैं उतना ही निष्पक्ष हूं सोशल मीडिया पे जितना मैं वोट देने जाते वक्त हूं, वहां मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं किसी न किसी को वोट दे के आया हूं, लेकिन पत्रकारिता करते हुए मुझे निष्पक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, असल सवाल ये है। मेरा मानना ये है कि निष्पक्षता जो है वो अपने आप में छलावा भरा शब्द है, मैं वहां पर भी जो है जो लोग कहते हैं कि आपको निष्पक्ष होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि वहां मुझको वो जो मैं एक बात कहता हूं कि मैं जिसको वोट देता हूं या मैं जिसके पक्ष में बढ़ चढ़ के बोलता हूं, लेकिन पत्रकारिता करते हुए मैं निष्पक्ष तो नहीं रहूंगा लेकिन पक्षधरता भी नहीं करूंगा। ये जो एक फर्क है कि आप किसी के पक्षधर हैं पैरोकार हैं वो गलत है, लेकिन निष्पक्षता एक छलावा इसलिए है कि मैं निष्पक्ष हूं यानी मेरा कोई पक्ष ही नहीं, मैं इधर भी नहीं हूं मैं उधर भी नहीं हूं, तो ये पत्रकारिता में नहीं होता, पत्रकारिता को स्टैंड लेना पड़ता है। आप शोषित के साथ हो सकते हैं या जिसका शोषण हो रहा है
शोषित या जो शोषण कर रहा है उसके साथ हो सकते हैं, जो पीट रहा है आप उसके साथ भी, जो पीट रहा है उसके साथ भी है, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। ऐसी तरीके से जो दंगे भड़का रहे हैं आप उनके साथ हैं, या जो लोग दंगों में मारे जा रहे हैं आप उनके साथ हैं। तो ये जो एक स्टैंड लेना है, ये स्टैंड लेना एक सामाजिक जिम्मेदारी का, एक सरोकार का प्रदर्शन है। ये जो है ये किसी तरह की पक्षधरता नहीं है। तो निष्पक्ष कहकर के आप किसी को स्टैंड लेने से अगर रोक दें तो मैं मानता हूं कि निष्पक्षता कोई मूल्य नहीं बनती है। और इसलिए आज के दौर में जब पूंजी इस तरह से हमें परेशान कर रही है और सांप्रदायिकता पूरे समाज को लील रही है, उस वक्त पत्रकारिता से, मीडिया से जो एक आशा की जाती है, जिस विवेक की, वो एक स्टैंड लेना भी है। वो स्टैंड, वो राजनीतिक समझ, वो सामाजिक विवेक और वो सरोकार, वो क्यों नहीं होता है। हमने अब तक इतना कई चीजों पर चर्चा की कि भी वो पढ़ाई लिखाई भी है, पठन पाठन भी है, आपका अपना जो है जिम्मेदारी का बोध भी है, जो भी वजह है। लेकिन आज के दौर में सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि पत्रकार विवेक हो, उन ताकतों को समझते और जानते हुए भी जो पत्रकारिता का नाश कर रही हैं, लेकिन समाज का नाश करने वाली ताकतें जो हैं उनके खिलाफ आवाज अगर मीडिया में नहीं उठती है, पत्रकारिता में नहीं उठती है, और पत्रकारिता का, पत्रकार का कोई स्टैंड नजर नहीं आता है, तो ये उससे भी ज्यादा मुझे खतरनाक और एक अंधेरे दौर की तरफ ले जाने वाली चीज लगती है, जिसको पूंजी पहले से ले जाने के लिए आमादा है। धन्यवाद।